the highest form of relating, the highest form of relating, और मेरे देखे highest form of relating could be with the guru. शायद उसके ऊपर मुझे अभी तक कुछ और दिखता नहीं है, कोई और सूत्र relationship का, कोई और pedestal relationship का, relating का, उससे ऊपर तो मुझे अभी तक दिखा नहीं. So I thought I'll start this series of relating from guru itself. You know the literal meaning of a guru, शब्द का guru. I'm sure हम में से काफ़ी मित्र जानते हैं. गु मीन्स अंधकार, रु मीन्स द डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस. वह व्यक्ति जो हमारे गहरे मन के अंधकार से मुक्ति दिलाए, दैट्स द लिटरल डेफिनेशन ऑफ द शब्द गुरु. खूबसूरत शब्द है ये, खूबसूरत शब्द है ये. बट वट रियली इज़ अ गुरु. मैं अक्सर विदेश जाता हूँ और इवन हिंदुस्तान में भी, यू नो, कुछ रिश्ते, कुछ शब्द वक्त के साथ करप्ट हो जाते हैं. वो रिश्ते या शब्द करप्ट नहीं होते, उनकी कॉनोटेशंस, उनकी परसेप्शंस करप्ट हो जाती हैं. सो वेस्टर्न कंट्रीज़ में अब गुरु शब्द बहुत भयभीत करने वाला शब्द बन चुका है, लोग घबराते हैं. ऑफकोर्स द रीज़न ऑफ दैट इज़ वट एवर स्टोरीज दैट वी हियर अबाउट पीपल हु डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ बीइंग अ गुरु. बट दैट असाइड वट इज अ गुरु? कौन है गुरु? क्या है गुरु फिनोमिना? क्या है गुरु तत्व? कौन है गुरु? अक्सर मित्रों के जहन में प्रश्न आता है या आंसर आता है, दैट हु इज एनलाइटेंड इज अ गुरु, दैट हु इज अ सुप्रीम ज्ञानी इज अ गुरु, दैट हु इज दिस और दैट इज अ गुरु. तो जब हम इस प्रश्न का आंसर अपने भीतर में देखते हैं, खोजते हैं, द एंटायर फोकस गोज ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ अ गुरु. आर यू गेटिंग मी? अगर मैं अभी आपसे प्रश्न पूछूं कि कौन है गुरु, क्या है गुरु, तो सडनली आपके मन में एक इमेज बनती है ऑफ अ पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी मीन्स अ पर्सोना. पर्सोना मीन्स अ कलेक्शन ऑफ बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स एंड एक्शंस, जिसको हम गुरु मानते हैं. तो एक इमेज सी हमने बनाई अपने जहन में. कोई शिव प्रेमी है तो वो शिव की इमेज को बना के गुरु मानेंगे, कोई कृष्ण मूर्ति प्रेमी है तो वो कृष्ण मूर्ति की इमेज या उस जैसे बिहेवियर को देख के उस पर्सनैलिटी को गुरु मानेंगे. Suddenly the thought goes on to the, as I said, persona of a guru, personality of a guru. Yeah. But I think we missed the point. जैसे ही हमारे जहन में गुरु शब्द को लेते ही personality form होने लगती है. Because personalities तो बदलती रहती हैं ना, और वो तो हमारे perception है. आपका परसेप्शन बदलता रहता है. आज आपका परसेप्शन गुरु के प्रति एक्स है, कल आपका परसेप्शन वाई हो जाएगा. और वही गुरु जिसको आप बहुत प्रेम करते थे, आप उसके दुश्मन भी बन सकते हैं. बिकॉज द स्टार्टिंग वॉज रॉन्ग, बिकॉज वी स्टार्टेड फोकसिंग और आइडेंटिफाइंग विद द पर्सनैलिटी ऑफ दिस पर्सन कॉल्ड गुरु. या आर यू गेटिंग मी? क्वेश्चन इज द सेम. कौन है गुरु? क्या है गुरु? क्या वो पर्सनालिटी है? क्या वो तत्व है? जैसे आनंदी ने खूबसूरत अभी श्लोक गाए, क्या तत्व गुरु हैं? क्या एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग का फॉर्म है जिसको हम गुरु मानते हैं? व्हाट इज अ गुरु? सो आई थिंक टू आंसर टू दैट, टू आर ओन सेल्फ. और ये मैं इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि अक्सर बहुत मित्र आके पूछते हैं, कैसे पहचाने सही गुरु को, कैसे मिलें, कैसे ढूंढें सही गुरु को. सो आई थॉट आई विल कवर सम ऑफ दोज
क्वेश्चंस टुडे इन द सत्संग। तो बहुत सिंपल, हर चीज़ की एक, ऐसा समझ लो, हर चीज़ की एक बहुत सिंपल परिभाषा सी है प्रकृति ने दी है हमें। हर हर चीज़ के लिए एक परिभाषा, एक मापदंड। सो मेरे देखे गुरु वह जो तुम्हें तुम्हारे होने की याद दिला दे, जो तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व की याद दिला दे, जो तुम्हें तुम्हारे सत्य की याद दिला दे, जो तुम्हें तुम्हारे अल्टीमेट पर्पस की याद दिला दे कि क्यों पैदा हुए तुम यहाँ पे, कौन हो तुम। अभी हमारा जीवन में सारा फोकस इज आउटवर्ड ड्रिवन, द फैमिली, द जॉब, द मनी, द इनसिक्योरिटी, दिस एंड दैट, आउटवर्ड ड्रिवन फोकस है हम सबका जीवन में। तो कौन गुरु? गुरु वह जो हमें याद दिला दे, जो इस चेतना की दृष्टि को वापस अपने भीतर मोड़ दे, जो मुझे मेरी ही सत्य की याद दिला दे, जो मुझे मेरी ही डिविनिटी की याद दिला दे, और रिमेम्बरेंस, जो बस याद दिला दे कि क्यों आया मैं यहाँ पे, क्या मतलब था मेरे इस पृथ्वी पे जन्म लेने का। द रिमेम्बरेंस, द वन हु इग्नाइट्स दिस रिमेम्बरेंस, एंड नॉट जस्ट इग्नाइट दिस रिमेम्बरेंस, हु ऑल्सो इग्नाइट्स द लॉन्गिंग देन टू फाइंड आउट। तो गुरु पहले तो उस आपको आपके आपको आप ही के दर्शन कराएगा, आपको आप ही के सत्य की तरफ मोड़ेगा, और फिर आपके हृदय में लॉन्गिंग जगाएगा टू नाउ बी विद दैट सत्य, टू मीट दैट ट्रूथ, टू मीट दैट रियलिटी ऑफ योर इनर बीइंग।